The Rime of the Ancient Mariner by Samuel Taylor Coleridge. ये कोलरिज की एक ऐसी पोएम है जो कंप्लीट है, पूरी है, आधी अधूरी नहीं है. विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलरिज करीबी मित्र थे, करीबी मित्र थे, क्लोज फ्रेंड्स थे. वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ की बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ और कोलरिज क्वांटॉक हिल्स नाम की पहाड़ी पर पैदल यात्रा पर जाना चाहते थे. क्वांटॉक हिल्स नामक पहाड़ी पर पैदल यात्रा पर जाना चाहते थे. उस जमाने में उसका खर्चा 5 पाउंड्स आता और इन लोगों के पास पैसे नहीं थे, इसलिए दोनों कवियों ने तय किया, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलरिज, दोनों कवियों ने तय किया कि वे एक कविता लिख देंगे और किसी अखबार मैगजीन किसी को बेच देंगे, 5 पाउंड्स तो मिल जाएंगे और उन पैसों से अपन घूम कर आ जाएंगे. कोलरिज जब ठान लेते करना है तो करना है, इसलिए उन्होंने ठान लिया कि मुझे ये लिखना है और पूरा करना है, तो उन्होंने ये पूरी पोएम लिख डाली. 7 पार्ट्स हैं इस पोएम के, लंबी सी कविता है बहुत, 7 पार्ट्स हैं इस पोएम के. और इस पोएम को उन्होंने मैगजीन्स को दिया, सबने रिजेक्ट कर दिया, इस पोएम को हम नहीं खरीदते. इसलिए उसके उद्देश्य में, जिस उद्देश्य में ये पोएम लिखी गई, जिस उद्देश्य से ये पोएम लिखी गई, उस उद्देश्य में तो फेल हो गई ये पोएम, उस उद्देश्य से फेल हो गई ये पोएम. और ये पोएम बाद में जाकर कोलरिज की सबसे फेमस पोएम्स में से एक बनी. अब इसकी हम स्टोरी ब्रीफ में देखते हैं. शादी का एक घर है और शादी के उस घर से 3 मेहमान निकलते हैं. अचानक एक बूढ़ा मरीनर, जहाज चालक, एक बूढ़ा मरीनर प्रकट होता है, और उन 3 मेहमानों में से एक का हाथ पकड़ता है और कहता है, एक जहाज था. वो मेहमान कहता है, अरे बूढ़े मेरा हाथ छोड़, मेरे घर में शादी है, दुल्हन तैयार है, मेहमान आ गए, क्या कहानी सुना रहा है. वो बूढ़ा जहाज चालक मरीनर हाथ छोड़ देता है, कहता है जा, पर वो मेहमान जा नहीं पाता, आंखों के सम्मोहन से बंध गया वो मरीनर के, और छोटे बच्चे की तरह एक पत्थर पर, रास्ते के एक पत्थर पर बैठ जाता है, मुंह खोलकर कहानी सुनता है. और मरीनर अब उस एक मेहमान को कहानी सुनाता है और कहता है कि एक जहाज था, मैं उसका कैप्टन था और मेरे साथ 200 क्रूमैन थे. जहाज को चलाने में जो मदद करते हैं, कोई रस्सा खींचता है, कोई कुछ और करता है, 200 क्रूमैन थे और हम साउथ पोल की तरफ,
तरफ दक्षिणी ध्रुव की तरफ निकले और गिरजाघर पीछे रह गया, बंदरगाह पीछे रह गया, सब कुछ पीछे रह गया और हम आगे बढ़ते चले गए। और हम भूमध्य रेखा इक्वेटर वहां पहुंच गए। इतनी तेज गर्मी, इतनी तेज प्यास, ऊपर देखते रहे सूरज की इतनी गर्मी, हमसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हुआ, पर हम चलते गए। जहाज आगे बढ़ता चला गया, देखते ही देखते साउथ पोल आ गया, साउथ पोल वाला एरिया आ गया। परंतु साउथ पोल में घुसने से पहले ऊंचे ऊंचे बर्फीले चट्टान आए, बर्फीले चट्टान आए और हम उन चट्टानों को पार ही नहीं कर सकते थे। रास्ते रुक गए, आगे नहीं बढ़ सकते थे। पता नहीं कहां से एक अद्भुत पक्षी आई, एल्बेट्रॉस, जो ईसाई धर्म में मानवता का प्रतीक है, पोएट्री में, लिटरेचर में, धर्म में नहीं, लिटरेचर में, ईसाई धर्म में मानवता का प्रतीक ऐसा दर्शाया गया है उस बर्ड को, एल्बेट्रॉस, बड़ी सी पक्षी। वो बर्ड के आते ही चट्टानों ने रास्ता खोल दिया और जहाज आसानी से साउथ पोल तक पहुंच गया। 9 दिनों तक वो बर्ड रोज जहाज पर उसका आना होता, ये बाकी जो ये 200 क्रूमैन थे उसको खिलाते पिलाते, अपना टाइम पास करते, अपना मनोरंजन करते, और इस तरह से चलता रहा। अब वो मेहमान जो है, जो कहानी सुन रहा है, वो मरीनर से कहता है, अरे मरीनर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, तेरा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो, क्या हुआ? और मरीनर कहता है, मैं क्या बताऊं, मुझसे क्या पाप हुआ, वह बर्ड जो कि 9 दिनों तक जहाज पर आता रहा, जिसने हमारी इतनी मदद करी, जो मानवता का प्रतीक था, मैंने तीर लेकर उस बर्ड को ही मार डाला। और वह बर्ड एक बोझा बनकर मेरे गर्दन पर लटक गई, मतलब पाप का बोझा। जैसे ही उस बर्ड को मरीनर ने मारा, वो 200 क्रूमैन, जहाज चलाने में जो मदद करते हैं वो क्रूमैन, मरीनर को डांटने लगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, गलत किया तुमने, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। परंतु प्रकृति जो कि सबकी माँ है, प्रकृति जो कि सबकी माँ है, वह प्रकृति जो है वो इंसान की सच्चाई जानती थी, और वो जानती थी कि ये 200 क्रूमैन आज ये कह रहे हैं मरीनर को कि तूने गलत किया, क्योंकि ये 200 क्रूमैन डर रहे हैं कि हमें तो वापस भी तो जाना है, साउथ पोल से निकलना भी तो है, अगर वापस मौसम खराब हो गया तो हमें कौन बाहर निकालेगा, इसलिए कह रहे हैं। वास्तव में ये लोग स्वार्थी हैं, लोभी हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता छोटे छोटे जीव जंतुओं को मारने में, मच्छर को मारते हम, तितलियों को पकड़ लेते हैं, चींटियों को रौंद देते हैं, जैसे उनके प्राण की कोई कीमत नहीं और केवल हमारे प्राणों की कीमत हो, हम ऐसा बिहेव करते हैं। और इसलिए ये मनुष्य जो 200 क्रूमैन आज कह रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, इसलिए प्रकृति चुप रही। और प्रकृति ने क्या किया, जब जहाज घूम कर साउथ पोल से वापस घर की ओर निकला,
तो मौसम शांत रहा। समुंदरी वो बर्फ के चट्टानों ने रास्ते खोल रखे थे, जहाज आराम से गुजर गया। और अब 200 क्रूमैन को विश्वास हो गया कि अब कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब उन्होंने धुन बदल ली और वो मरीनर से कहने लगे, अच्छा ही हुआ तुमने उसको मारा, फालतू में अपन टाइम खराब कर रहे थे उसके साथ, अच्छा किया तुमने उसको मार डाला, बस अब प्रकृति बदला लेगी, प्रकृति उस जहाज को वहीं बांध देगी, जहाज आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, जहाज आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, बांध देगी प्रकृति जहाज को वहीं पर। और अब ये लोग आ गए हैं इक्वेटर तक, जहां बंद गया जहाज। इतनी तो गर्मी और समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इधर उधर पानी में देखते हैं तो तेल ही तेल है जहाज से निकला हुआ, गंदगी, सांप लौट रहे हैं, प्यास लग रही है, पानी नहीं है इनके पास पीने को। अब सारे के सारे वो 200 क्रूमैन हमारे मरीनर को देखते हैं आरोप के साथ, मतलब शिकायत की आंखों से कि तुम्हारी वजह से हमारा ये हाल हुआ है, तुम्हारी वजह से हमारा ये हाल हुआ है। तो ऐसे ही समय निकलता है, इतने में सूर्यास्त होने वाला है, सूरज उतर चुका है, लग रहा है जैसे समुंदर को छू देगा, यहाँ जहाज है, यहाँ जहाज है, यहाँ सूरज है, और इसके बीच में कंकालों से बना एक जहाज आ जाता है। ये सुपरनेचुरल लिखते थे ना कोलरिज, कंकालों का बना जहाज आ जाता है, उसमें एक स्त्री बैठी है, सफेद चमड़ी है कोड़ी की तरह, लाल होंठ है, पीले बाल है, भयानक है, और एक अस्पष्ट चित्र है, अस्पष्ट फिगर है, लिटरेचर में अस्पष्ट फिगर डेथ होता है, और ये औरत लाइफ इन डेथ, मरो तो मत पर तिल तिल के मरो, सफर करते रहो पल 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 पल, लाइफ इन डेथ वो है ये औरत। तो ये दोनों जुआ खेलते हैं, ये दोनों जुआ खेलते हैं, और दांव पे लगा है मरीनर, दांव पे लगा है मरीनर, वो लाइफ इन डेथ जो है ताली बजाती है, कहती मैं जीती मैं जीती मैं जीती, और एकदम से जहाज निकल पड़ता है, सूरज अस्त हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। लाइफ इन डेथ ने मरीनर को जीता है का मतलब है कि वो नहीं मरेगा, तड़पेगा, और डेथ ने 200 क्रूमैन को जीता है तो वो 200 क्रूमैन वहीं मर जाएंगे, पड़ जाएंगे वहीं। अब इस मरीनर की हालत बड़ी खराब हो जाती है, अकेले बिल्कुल समुंदर के बीच, पीने को पानी नहीं, हालत खराब उसकी, कोई बचाने वाला नहीं, और वो सांपों को देखता है पानी में लोटता हुआ, और उसका अहंकार कहता है ये जिंदा है और ये इंसान मर गए, अभी भी अहंकार है, ये जिंदा है और ये इंसान मर गए। तो प्रकृति ये भी सुन रही है, करते करते इसको रातों को नींद नहीं आती, कुछ नहीं, इसकी हालत खराब है, पीने को पानी नहीं। एक दिन बड़ी मुश्किल से इसको नींद आती है, और जब ये सो रहा होता है तो इसको सपने में दो आवाज़ें सुनाई पड़ती है, एक कड़क आवाज़ है और एक नरम आवाज़ है। कड़क आवाज़ पूछती है, क्या ये वही आदमी है जिसने उस मासूम एल्बेट्रॉस को मारा? और वो नरम आवाज़ कहती है, हाँ यही है, परंतु ये बदलेगा। कब ये घटना कब होती है? इसने सांप वांप के लिए तो कह दिया कि ये इनको क्या जीने का हक है ये वो, परंतु कुछ समय बाद क्या होता है,
कुछ एक दो दिन के गैप के बाद दोबारा सांप को देखता है तो सोचता है, हाय कितने प्यारे हैं, इनकी चमड़ी कितनी सुंदर है। बस इतना सा उसको करना पड़ा कि ऊपर वाला इस पर रहम करेगा और उस रात उसको नींद आ जाएगी। और फिर वो नरम आवाज़ कहती है कि ये बदलना चाहता है, ये बदलेगा। जब ये रात को सोता है तो जहाज तेजी से आगे बढ़ जाता है, और जब ये जगता है तो जहाज वहीं रुक जाता है। इसको समझ में नहीं आता कि मैं कितने आगे आ गया, क्या हो गया। तो वो दोनों आवाजें चली जाती हैं, ये जगता है, बारिश होती है, बारिश यानी रहम की बूंदें। और इतने में अब ये रहम की बूंदें इसके ऊपर भी पड़ती हैं, अब इसका प्रायश्चित शुरू होगा। और अब प्रकृति क्या करेगी, प्रकृति इस जहाज के ऊपर 200 अपनी स्पिरिट्स को, आत्माओं को भेजेगी, जो इन 200 शरीरों में घुस जाएं, सब खड़े हो जाएं और जहाज को चलाएं ताकि जहाज घर तक पहुंच जाए। तो जब इसका जहाज घर तक पहुंचने वाला होता है, करीब होता है, तो जहाज पर SOS की तरह लाल लाइटें चमकती हैं और वो 200 शरीरों के अंदर जो आत्माएं हैं वो शरीर को छोड़कर चली जाती हैं। किनारे पर, इसके घर के किनारे पर, मतलब जो इसका, इसकी मातृभूमि है उसके किनारे पर एक नाव चलाने वाला, उसका बेटा और एक पुजारी, तीनों नाव में बैठकर इस जहाज की तरफ आते हैं और जहाज में विस्फोट होता है। वो 200 लाशें पानी में चली जाती हैं, मरीनर उछलकर पानी में चला जाता है, पर वो नाविक नाव में इसको बिठा लेता है। और वो पुजारी भी डर जाता है, अपना माला फेरने लग जाता है। इतना डरावना चेहरा है मरीनर का, इतना भयभीत हो चुका है, इतना डर गया कि उसका चेहरा इतना डरावना लग रहा है। और वो जो नाविक है वो बेहोश हो जाता है और मरीनर जल्दी से पतवार लेके नाव चलाने लग जाता है और जल्दी से किनारे तक पहुंच जाते हैं ये लोग। किनारे तक पहुंचते ही ये उछल कर उस पुजारी के पैर पड़ता है और कहता है, मुझसे पाप हो गया, मेरे को प्रायश्चित चाहिए, मेरे को कुछ करो। अब प्रायश्चित के तौर पर मरीनर को क्या करना है, पुजारी क्या कहता है। क्रिश्चियंस में इसको कन्फेशन, पाप कबूलना, और एब्सोल्यूशन, प्रायश्चित करके माफी पाना। तो अब क्या होगा, वो पुजारी इसको कहेगा कि मैं तुझे एक विशेष ताकत देता हूँ, आज के बाद तू भटकता घूमता फिरेगा, तुझे ऐसे लोग दिखेंगे जो तेरी तरह पाप करने जा रहे हों और तू उन्हें रोक कर अपनी कहानी सुना तो तेरा पाप हल्का होगा। इसीलिए उन तीन मेहमानों में से एक को रोका है मरीनर ने, क्योंकि संभवतः वह आगे जाकर कुछ ऐसा पाप करता, छोटे जीव जंतुओं को मारना और उस बारे में सोचना भी नहीं, जैसा कि मरीनर ने किया। जैसी कहानी सुना देता है, मरीनर कुछ हल्कापन महसूस करता है, गायब हो जाता है। मेहमान जो हल्के अंदाज से शादी के माहौल में आया था, वो भारीपन लेकर वापस जाता है। ये बैकग्राउंड है, ये स्टोरी है राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर की।